हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी किसी भी वीडियो का जो नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, सेकेंड ग्रेड भर्ती और रीट लेवल 2 के रिजल्ट को निकलवाने के लिए जो उपेंद्र जी यादव हैं वो लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं और अजमेर में वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई आप भी आएँ और हमारा साथ दें ताकि ये दोनों भर्तियाँ वो पूरी करवाई जा सके। तो दोस्तों, सरकार की ये मनसा है ही नहीं कि भाई इन दोनों भर्तियों का जो रिज़ल्ट है वो निकाला जाए। मैंने पहले भी इस बारे में वीडियो बनाया था, लेकिन मैंने सोचा था कि भाई बना देते हैं, लेकिन जल्द ही इसका रिज़ल्ट निकल जाएगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि रिज़ल्ट की तो कोई दूर दूर तक कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही है और मुझे नहीं लगता कि सेकेंड ग्रेड और सेकेंड लेवल का जो रिज़ल्ट है वो निकालेगी सरकार। क्योंकि आज जो कुछ अभ्यर्थी थे वो चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ से मिले और उनको अपना जो पूर्व में किया गया जो वादा था वो बताया कि सर आपने कहा था कि जो 1% का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा और आपने कहा कि भाई जल्द ही इसका रिजल्ट निकलवा देंगे, तो सर उसका क्या हुआ? तो चिकित्सा मंत्री ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया और अपना मुँह फेर लिया। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार इस बारे में चिंतित है ही नहीं कि उनको रिजल्ट निकालना है कि नहीं निकालना है, उनको रोज़गार देना है या नहीं देना है। दूसरी बात, जब उन अभ्यर्थियों ने उपेन यादव का वीडियो दिखाया तो भी चिकित्सा मंत्री ने मुंह फेर लिया। उनको कोई परवाह नहीं है कि कोई व्यक्ति भर्तियों को पूरी करवाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है, तो इन बात का उनको कोई दुख ही नहीं प्रकट हो रहा है कि वास्तव में राजस्थान में क्या हो रहा है, क्या जो बेरोजगार हैं उनकी दशा क्या हो गई है। लोग प्रचार कर रहे हैं, आप जैसा कि इन तस्वीरों में देख सकते हो, वो लगातार छात्रों के हितों के लिए अजमेर में प्रदर्शन कर रहे हैं, ये धरने पर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अगर आप भी इस भर्तियों को पूरा करवाने के पक्ष में तो प्लीज़ उपेंद्र जी यादव का साथ दें, ताकि क्योंकि साथ से ही एकता में ही शक्ति होती है, इसलिए संगठन बनेगा तभी सरकार झुकेगी और सरकार निश्चित रूप से झुकेगी। आपके लिए वहाँ पर पूरी व्यवस्था है, सिर्फ आपको वहाँ पर जाना है और कुछ नहीं करना है, आपके खाने की पीने की रहने की सब व्यवस्था है। तो दोस्तों, अगर आपको इन भर्तियों को पूरा करवाना है तो आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आपके भी कोई सुझाव हो इस बारे में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।